पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद सवालों के घेरे में आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को ममता सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। घोष के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही यानी सोमवार को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। घोष की गिरफ्तारी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोपों में हुई है। कोलकाता कांड की जांच में जुटी सीबीआई ने 16 दिन पूछताछ के बाद मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने घोष से मेडिकल कॉलेज में पहले रेप और मर्डर, संजय रॉय के बारे में और फिर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर करीब 250 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल संदीप घोष के वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्तता के बारे में पहली बार डॉक्टर अख्तर अली ने खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि संदीप घोष अस्पताल में आए लावारिश शवों का व्यापार करते थे, यहां तक कि अस्पताल के कचरे को भी अवैध तरीके से बेच देते थे। अख्तर अली आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही पहले काम करते थे। वो संदीप घोष के सहयोगी थे। देखिए उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं। वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किया है उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग एक नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट एक कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूँ और मैं अपना स्टेटमेंट भी देके आया हूँ। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूँगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने, डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो ज़िंदगी से खेला, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका, सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को MSVP ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को छाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने, कुछ कोई एक्शन ही? बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होके फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिल के ये सारे नेक्सस चलाते हैं। और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब? अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला PS में हुआ था, ये PIL भी हुआ था, मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गए। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब देके जाना होगा।
लेकिन अनक्लेम डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है, फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाकर्म जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है, वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं आ, सब मिलजुल के खाते थे और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए, वो एक समाज के लिए जो है पॉइजन है। दादा एक बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का कुछ, हाँ दो दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकल करना नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में, ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज हो सकता है, इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे, मतलब क्या होता था, ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है, देखिए ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूँ कि जब भी मुझे बुलाएंगे जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। सर कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि अस्पताल में जो एक्सपायरी वाली मेडिसिन होती थी, क्या वो जूनियर डॉक्टर और इंटर्न पर दबाव बनाते थे कि उसका जो है इस्तेमाल किया जाए जो एक्सपायर्ड मेडिसिन थी? देखिए ये तो अभी इसलिए क्योंकि मैं एक साल पहले वहां से आ गया, फिर मेरे एब्सेंस में क्या हुआ वो मेरे लिए बताना मुश्किल है, मगर मैं जब था जो जो स्कैम था सबों का पर्दा मैंने फाश किया, क्योंकि ये समाज के लिए भी क्षतिकारक था, इंसानियत के लिए भी, तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार सहा, मगर मैं उस अत्याचार को कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे मारने की धमकी दिया गया, मेरी परिवार को टारगेट किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक हो गया, मुझे पेंशन, ये सब शिकायत मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिल जाए मेरे लिए यही बहुत है। ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते, हाँ ये करते थे, ये तो एकदम पूरा रैकेट था उनके अंडर में, जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे।